हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 37 साइज का सादा ब्लाउज 4x में। देखिए पीस है, तो चलिए शुरू करते हैं। कटिंग करती हूँ एकदम सिंपल तरीके से। 37 साइज का किस तरह सादा में बनाना चाहिए, तो ये कपड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए 15 इंच है, 15 इंच में लंबाई लेगी। 37 साइज का है तो 15 इंच में लंबाई लेगी। गला 2.5 इंच लेगी, शोल्डर 3 इंच लेगी, गला का लंबाई में 5 इंच लेगी, शोल्डर का लंबाई में 6 इंच लेगी, छाती में 9 इंच लेगी, दो इंच मार्जिन में लेगी, मैं कमर में 8 इंच लेगी, 2 इंच मार्जिन में लेगी, मैं 2.5 इंच का बेल्ट के लिए जो पट्टी होता है 2.5 इंच पे निकालेगी, यहाँ पे 2 इंच के निकालेगी, ये 3 इंच पे मैं टैक्स लेगी। ये देखिए 3 इंच पे मैं टैक्स लेगी और 1.5 इंच टैक्स में जाएगा। 3 इंच टैक्स का लंबाई लेगी मैं, 1 इंची में 2 सेंटी कमी लेगी, यहाँ पे 1 इंची 2 सेंटी कमी लेगी इसमें। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। 2.5 इंच का टैक्स लेगी मैं, यहाँ पे देखिए मैं 2.5 इंच का टैक्स लेगी, यहाँ पे 3 इंच में 2 सेंटी कमी लेगी। ये देखिए 0.5 इंची का कपड़े रहेगा। फिर से देखिए, ये फ्रंट पार्ट रहेगा और ये बैक पार्ट रहेगा। तो अभी मैं इसका पूरा कटिंग कर दे रही हूँ। ये देखिए पट्टी पतला लग रहा है, तो मेरे को और चौड़ा पट्टी निकालने का है। पट्टी ये नहीं लगाएगी, दूसरा पट्टी लगाएगी। और ये देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। ये देखिए किस तरह ये निकल गया है। ये देखिए ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। अभी मैं बाजू कटिंग करके बताती हूँ फ्रेंड। ये देखिए बाजू अभी मैं कटिंग करेगी, तो बाजू का लंबाई मैं 5 इंच लेगी। यहाँ पे 3 इंच ली हूँ, यहाँ पे 5 इंच। तो देखिए बाजू कटिंग करना कितना सरल होता है। इसी तरह न्यूज़पेपर लेने का, अगर आपको नहीं कटिंग आता है तो बस हाथ इस तरह घुमाने का कोशिश करने का, इस तरह। ये देखिए ऐसा, यहाँ पे डॉट मारने का नहीं आपको समझ में आता, बिगड़ जाता, तो बार बार ऐसा ऐसा इस तरह घुमाते रहने का। यहाँ पर 1 इंची निकाल देने से क्रॉस में लेने का, क्रॉस में इस तरह। ये देखिए परफेक्ट हो जाता है। अभी मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सब आस्तीन कट के तैयार हो गया है। ये देखिए जो मैं पट्टी निकाली थी, बेल्ट वाला जो होता है नीचे का ब्लाउज में जो पट्टी लगता है उसी का ये है। तो मैं इससे थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पे लेगी, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा मोड़ने में। तो ये देखिए इसको मैं इस तरह रख के नीचे कटिंग नहीं करेगी, ऊपर के साइड में मैं क्रॉस कर देगी। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस करने का रहता है। ये देखिए ये पट्टी हो गया,